हेलो फ्रेंड्स, अपना अंगूठा यहाँ पर चिपकाएं, सब्सक्राइब करें, बेल की घंटी दबाएं, ऑल ऑप्शन सेलेक्ट करें ताकि मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आए। हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। तो मैं ऑलरेडी स्विमिंग ड्रेस में रेडी हो चुकी हूँ, लेकिन टाइम भी हो चुका है, लेकिन जा नहीं रही हूँ थोड़ी देर के लिए, क्योंकि ये है रीज़न। तो ऑलरेडी इनको सो के 45 मिनट्स ऐसा कुछ हो रहा है, एंड मैंने जानबूझ के आदित्य को सुलाया, क्योंकि स्कूल से आने के बाद अगर वो थोड़ी देर भी नहीं सो रहा है तो वो बहुत रेस्टलेस हो रहा है, मुझे फेस से लग रहा है उसके, क्योंकि उसके बाद हम स्विमिंग जाते हैं, फिर आने के बाद भी उसको कितना भी 7 बजे खाना खिला दो, 8 बजे खाना खिला दो, लेकिन जब तक पापा नहीं आते उसके वो सोता नहीं है। तो ऐसे राह देखते देखते उसको जो है कभी कभी 11 बज जाते हैं, और जब तक पापा नहीं आते वो ऐसे सोचता रहता है, नाटक करके ऐसे आँख तो बंद कर लेता है लेकिन सोता नहीं है। तो वो आदत थोड़ी उसकी छुड़ानी पड़ेगी कि सो जाए वो, क्योंकि हेल्थ ख़राब हो सकती है इसके वजह से। तो इसलिए मैंने सोचा अगर मैं स्विमिंग आधा घंटा लेट भी जाती हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज़ जो मेरा टारगेट है वो मैं कंप्लीट करके आऊँगी। एंड अदर थिंग इज़ इससे बच्चों की भी नींद पूरी हो जाएगी, एंड थोड़ा लेट आएंगे तो भी चलेगा, लेकिन उसकी नींद डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए करके। और अभिषेक को मैंने साथ में सुला दिया है, तो दोनों बछड़े सोते रहते हैं तो बच्चे बड़े प्यारे लगते हैं ना, क्योंकि शैतानियाँ करते रहते तब तो डांट खाते रहते 24 घंटे, लेकिन जब काम रहते तो बड़ा प्यार आता रहता है, तब लगता है कि कुछ करके जगा दो उनको। एंड यहाँ पे आपने देखा है दो ऊपर बॉटल्स रखी है, तो वो मैं रोज़ जो है दोनों बच्चों को डालती, दोनों को नहीं, एक बॉटल जो है दोनों को डालती हूँ, छोटे वाले को, एक जो है ओनली अभिषेक को डालती हूँ। तो इसमें जो मेडिसिन है, ये वाला जो है ये है, इसमें आयरन प्रोटीन वो सारा मिक्स्ड सिरप है, तो छोटे बच्चों के लिए स्पेसिफिकली लिया है। वो क्यों लिया, इससे पहले मैंने बताया था कि अभिषेक जो है जो भी कोई दीवार मिलेगी उसको ऐसे खरोच के खाता रहता है, या मतलब जहाँ उसने पूरे हमारे घर में होल्स कर दिए हैं दीवार ऐसे नोच नोच के। तो डॉक्टर से जब पता किया तो उन्होंने ये सिरप दिया कि उसको डेली डालो करके, एंड वो डलवा भी लेता है ईजिली। एंड जो दूसरा है ये है एरिस्टोजिम, ये पाचन शक्ति के लिए है, एंड उससे बच्चों को भूख भी अच्छी लगती है। तो अगर हम एवरीडे उनको एक बार भी डालें, अगर कुछ हैवी फूड भी खाया है तो भी वो डाइजेस्ट हो जाएगा, अगर नहीं भी खाया तो डाइजेस्ट तो होना ही है, कोई कॉम्प्लिकेशन आएगी नहीं कि हजम नहीं हुआ तो उल्टी हो गई या पेट में दर्द आया, ये सारी प्रॉब्लम नहीं होगी। इसलिए मैं यहाँ पे ही रखती हूँ ताकि मुझे याद रहे एकदम अच्छे से। एंड मैंने बैग भी पैक करके यहाँ रखा है कि ये लोग उठें और मैं चलूँ। तो बाहर हमारी जो नेबर आंटी हैं, कुछ दिन पहले जो हमारे घर में आई थी, मैंने दिखाया था आपको, पता नहीं बाहर कुछ कर रही हैं, क्या कर रही हैं पता नहीं। मेरे को थोड़ी देर पहले एक कुरियर आया था, तब मैंने देखा, मैं बोला चलो टाइम हो रहा है करके मैं ड्रेस पहनने के लिए पहले आ गई, चलो देखते हैं अभी है कि नहीं। आंटी जो है बाहर पीतल के, एंड जो वो बर्तन होते हैं, थोड़े दिन पहले आंटी के घर में पूजा हुई थी तो इसलिए वो सारे बर्तन वो साफ़ कर रही हैं, और बच्चे भी जग नहीं रहे थे तो मैंने थोड़ा जगा के देखा तो जग गए। तो चलिए चलते हैं हम। तो भाई साहब अभी चलना नहीं चाहते, उठाने के लिए बोल रहे हैं, मैंने बोला चलो सीढ़ियाँ उतर रहे हैं तो उठा ही लेते हैं, कहीं नींद में डोल ना जाए। देखो फिर ले लिया यहाँ पे, girlfriend.
फ्रेंड्स, सो अभी मैं दोसे डाल रही हूँ। मेरे हस्बैंड बहुत ही दुख में है। इतना दुख इनको किसी भी चीज़ में नहीं होता है जितना इस टॉपिक पे होता है। क्या चीज़ का दुख है मालूम? बताओ आप, गेस करो। बहुत दुखी है मेरे हस्बैंड, बहुत ज़्यादा। वो इसलिए कि इंडिया जो है आज सेमीफाइनल हार चुकी है। अभी तक ओनली एक गेम हारी थी इसके सेमीफाइनल्स तक पहुंचने से पहले। एंड न्यूजीलैंड जो है 4 गेम हार के आज फिर फाइनल में पहुंच गई है। इट्स वॉज यू नो क्या बोलें, लक बोल सकते हैं उनका, क्योंकि कल अगर उस हिसाब से मैच अगर रुकता नहीं तब तो, क्योंकि स्कोर कम ही था तो इंडिया जीत जाती थी। कल 3 ओवर बचे हुए थे 50 ओवर्स में, तब बारिश आ गई और कल का मैच रुक गया सेमीफाइनल का। और वो 3 ओवर्स उन्होंने आज खेले और 3 ओवर में उन्होंने करीब करीब 30 रन कुछ बनाए, और वही 30 रन के आसपास, मतलब 19-20 रन का जो है शॉर्टेज पड़ा इंडिया को, जो चेजिंग में नहीं हो पाया। एक्चुअली हो सकता था अगर लास्ट ओवर में थोड़े बॉल्स ना वेस्ट करके थोड़ी चौके छक्के लग जाते, क्योंकि ओनली 20 रन का ही डिफरेंस था, ज़्यादा भी नहीं था। इट वॉज पॉसिबल बट इट बिकेम इम्पॉसिबल। तो 2015 के बाद अभी ये मैच, एंड एक्सपेक्टेशन बहुत थी कि इस बार इंडिया पक्का जीतेगी, क्योंकि जो भी मैच अभी तक खेले सारे में परफॉर्मेंस अच्छी थी, रैंकिंग अच्छी थी, सब कुछ अच्छा था। तो मेरे हस्बैंड, मैं तो फिर भी जो है गेम को गेम के स्पोर्ट्स स्पिरिट में ले लेती हूँ एंड आई मूव ऑन फॉर माय आई मीन इन माय रेगुलर एक्टिविटीज़। बट मेरे हस्बैंड जो है शोक में चल जाते हैं, ऐसे करके सोचते रहते अब ये वो करके। तो अभी जब ब्रेकफास्ट भी दिया तब भी ऐसे करे जा रहे। मैं वो क्या है बोलते, अभी तक 2015 का गम ही गया नहीं है दिल से कि ये गम और आन पड़ा, तो क्या गया गम नहीं होगा देखा। मैं वो क्रिकेट देखना ही छोड़ दो फिर, ना देखोगे ना गम आएगा। तो मैं इतनी पागल नहीं हूँ क्रिकेट की, लेकिन ये तो मतलब पूरे उसमें नहा धो के सब कुछ कर चुके हैं, तो बहुत पसंद है इनको। और जब भी इंडिया हारती है ना तो बहुत डिसअपॉइंट हो जाते हैं। इनके दुख का कारण बता देते हैं, तो बता दिया आपको, बातें करते कहीं दोस्त ना जल जाए। सो ये जो इडली बैटर है उससे डोसा डालने से बहुत क्रिस्पी क्रंची टाइप्स आते हैं, काफ़ी अच्छे लगते हैं मुझे तो। ये वाले डोसा नॉर्मल वाले से भी बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि इसको सिम पे पकाना होता है। जब इनिशियली पक रहा तो उल्टा करने के बाद आप हाई गैस कर सकते हो, तो सिम पे पकने की वजह से पूरा क्रिस्पीनेस आ जाता है अच्छी तरह से। चलो मैं पहले इनको परोस देती हूँ और इनके दुख में ज़रा शामिल होकर इनको थोड़ी सहानुभूति देती हूँ। बट ऐसा नहीं है कि मैं दुखी नहीं हूँ, बट आई टेक इट स्पोर्टिवली, मैं उभर जाती हूँ उनसे, लेकिन ये उभरने में इनको ज़रा टाइम लगता है, इसलिए आई एम ऑल्सो सैड। मैंने भी थोड़ी देर बहुत सोचा क्या ऐसे करते तो अच्छा होता, वैसे करते तो अच्छा होता, लेकिन हो जाने के बाद इट इज़ यूजलेस टू थिंक अबाउट काश ऐसा होता, काश वैसा होता। सो यू नो मेनी टाइम्स वी डू दीज थिंग्स की काश ऐसा कर दिया होता तो वैसा होता, ऐसा कर दिया तो ऐसा होता, इसलिए काश को बगल में रखे। अगर आपका कुछ मन करता है ना करने का, कर डालो उसको, ताकि कल को बोलना ना पड़े कि काश मैंने वो तब किया होता, है ना। सो काश को निकाल दो एंड करके दिखाएंगे, उसको डालो अपनी डिक्शनरी में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नेक्स्ट मॉर्निंग। एंड गर्मियों के बाद जब बारिश का सीज़न शुरू होता है एंड सुबह सुबह ये क्लाइमेट देखने के लिए मिल जाए तो मन को अल्टीमेट सुकून मिलता है, क्योंकि इतनी गर्मियाँ झेलने के बाद वेट करते हैं हम ऐसे वाले क्लाइमेट का। तो मेरे हस्बैंड भी ऑफिस के लिए रेडी हो रहे हैं, उन्होंने शेविंग कर ली है एंड शेविंग के बाद अभी हम चाय के जूस की ले रहे हैं और आज बालकनी में बैठे हैं। नहीं तो कभी कभी जब तक बारिश हो रही है कभी कभी तो क्लाइमेट ठीक रह रहा है, अदरवाइज इतनी सुबह भी धूप आ ही जाती है थोड़ी बहुत। तो यहाँ पे हम लोगों ने चाय ख़त्म कर ली और मेरे हस्बैंड जो है ऑफिस के लिए रेडी हो चुके हैं, जूते पहन रहे हैं। तो मेरे को इस वाले नए वाले फ़ोन में शूट करने में बड़ा ही मज़ा आ रहा है, वाइड एंगल में स्पेशली, क्योंकि जैसा हम आँखों से देखते हैं लुक वैसा ही कैमरे में दिख रहा है। तो क्योंकि आँखें जैसे चारों तरफ कवर कर लेती है ना, वैसे ही कैमरा भी चारों तरफ कवर कर रहा है। सो अभी मेरे हस्बैंड को टाटा बाय बाय। You wanna make your way in this crazy world. Step up, girl, you got one.
सो क्योंकि अभी असेंबली स्टार्ट हो चुकी है इसलिए मेरे हस्बैंड जो है जल्दी जा रहे हैं, वरना हम दोनों हॉल में बैठ के चाय पीते पीते जो है मछलियों को देखते थे। मैं उनको पहले दाना डाल देती थी, अभी जैसे ही हस्बैंड ऑफिस गए हैं तो मैंने अभी मछलियों को दाना डाला है, और ऊपर से जब देख रही थी तो एक एक जो भी दाना है बड़े प्यार से चुग रही थी सारी मछलियाँ, तो वो भी मैंने कैप्चर करने की कोशिश करी ताकि जो ब्यूटी को मैं एंजॉय कर रही हूँ आप भी उस ब्यूटी को एंजॉय कर पाएँ। तो अभी स्कूल से फ़ोन आया है कि आदित्य का जो ऑटो ड्राइवर है वो आया नहीं है अभी तक, तो बच्चा वहाँ पे अकेला वेट कर रहा है। और मेरे हस्बैंड ने फ़ोन किया मुझे अभी कि उसको लेने के लिए जाओ करके, और ये भी सो रहा है। सो आई हैव टू गो जल्दी से। तो एवरीवन, तो मैं आदित्य को भी लेके आ गई एंड अरे से प्रॉपरली, तो आदित्य को भी लेके आ गई मैं एंड उसके साथ में जो भी उसके साथ के जो बच्चे रहते थे उनको भी लेके आई, क्योंकि उन्होंने तो अपने पेरेंट्स को भी इन्फॉर्म नहीं किया था। एक और लेडी आई थी। ओके हाँ, साउंड होतु माटलाटन कदा। तो उन सबको उनके घर पर छोड़ के आई हूँ मैं। थोड़ी देर हो चुकी है आके। स्विमिंग का टाइम अभी एक्चुअली एक घंटा और बचा है, लेकिन मैं एक घंटे पहले ही स्विमिंग पूल के पास जा रही हूँ। हमेशा मैं ऐसे नहीं जाती हूँ, आपको मालूम है, थोड़ा रेडी एकदम झिल्ले बन के जाती हूँ, पूरा वो स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहन के सीधा चले जाती हूँ, क्योंकि जाके चेंज करना मेरे को बहुत झंझट लगता है। स्टार्टिंग में जाके चेंज करती थी मैं, वो कार में तो जाना है कौन दिख रहा है करके, सीधे वहाँ पे उतर के जाती हूँ। तो अभी मैं कहाँ जा रही हूँ, उनसे आप पहले मिल चुके हो, कुछ दिन पहले जो मैंने दिखाया था एक स्पेशल डे के लिए हम लोग गए थे, जहाँ पे मैंने एक फ्रेंड से आपको इंट्रोडक्शन करवाया था, एक फ्रेंड का, उनका नाम था सीमा जो कि ब्लॉगर है। तो उनका घर जहाँ पे मैं कार पार्क करती हूँ स्विमिंग पूल में, उसके सामने ही है, सामने वाली बिल्डिंग में। इतने दिन से आ जा रही है लेकिन पता नहीं था कि वो वहाँ पे रहते हैं। तो उस दिन जब हमने थोड़ी अपने वार्तालाप को एक्सचेंज किया तब इसका पता लगा। तो दो तीन दिन से हम लोग मिलने के लिए सोच रहे थे, लेकिन वो भी कुछ उनकी क्लाइंट्स की मीटिंग रहती थी तो किसी ना किसी काम में बिजी रहती थी, बीच में फिर मेरे से भी नहीं हो पाया, तो ऐसा चलता रहा। फिर उन्होंने आज सुबह फ़ोन किया, वो इनवाइट किया मुझे कि आज आप आ जाओ। तो मैंने सोचा स्विमिंग करने से पहले मिल लेना बेटर है, क्योंकि स्विमिंग के बाद तो वैसे ही थोड़ी हालत ख़राब हो जाती है, मतलब बहुत थक जाते हैं, उसके बाद इतनी एनर्जी नहीं रहेगी कि बैठ के थोड़ा और क्या बोलते हैं स्पेंड कर सकें, क्योंकि बच्चे ऑलरेडी जब तक स्विमिंग कर रही होती हूँ मैं तब तक वहाँ खेल रहे होते हैं, और उसके बाद फटाफट जाके घर जाके उनको जो है भूख लगती है, वो सब करना पड़ता है। तो अभी आदित्य को मैं आजकल स्विमिंग नहीं करा रही हूँ, क्योंकि उसमें रेसिस्टेंस पावर बहुत ही कम है। मैंने बताया है कि नहीं आपको, पता नहीं, बारिश हो रही है, ठंडा है, पानी भी बहुत ठंडा है, अपने लिए तो ठीक है लेकिन बच्चों को ठंडी जल्दी लग जाती है, इसलिए बच्चे तो वैसे कर रहे हैं ऐसा नहीं कर रहे, लेकिन इसकी सिचुएशन मुझे मालूम है ठंडी लग जाएगी, फिर जुकाम वुकाम आ जाएगा, नाक पोंछना बहुत मुश्किल हो जाता है, और जुकाम आता है अगर जुकाम ठीक नहीं होता फिर बुखार आता है एंड सो ऑन एंड ऑन। तो आई वाज लाइक कि थोड़ा क्लाइमेट जो बरसात का मौसम है, क्योंकि रोज़ जो है तो कोई ना कोई टाइम पे थोड़ी बहुत ड्रिजलिंग हो ही रही है, तो पहले वो पूरी रुक जाए उसके बाद मैं आदित्य को भी स्विमिंग करने के लिए बोलूँगी। स्केटिंग ले जाने के लिए बोल रहा है लेकिन वो स्केटिंग हर चीज़ में उसके बहाने हैं, कुछ भी करो उसमें दर्द हो रहा है। अगर स्विमिंग करते तो बोलते हैं मम्मी नाक में पानी जा रहा है, मम्मी गले में कुछ हो रहा है। अभी स्केटिंग में लेके जाते हैं तो बोलते हैं कमर दर्द हो रही है, बाप रे, क्योंकि उसमें बेंड रहना पड़ता है, तो हर एक में प्रॉब्लम ही है। मैं बस स्केटिंग में जाने के बाद इतने राउंड भी नहीं लगाता, इससे अच्छा स्विमिंग मैं भी करती हूँ तो दोनों का हो जाएगा। नैना टू
कुछ भी पूछता है कितने राउंड लगाए मम्मी, अभी कार में गए थे तो हम वहाँ फटाफट गई, मैं फटाफट लेके आ गई, मम्मी कितने राउंड लगाए बोल रहा था। तो इसलिए जो है ये एज ही शायद ऐसे होती होगी बच्चों की कि उनको एक चीज़ पे स्टेबिलिटी रहती ही नहीं है, कुछ ना कुछ जो है चेंज होते रहना है, उनका मन करता है। आदित्य तो जो है वो गोविंदा की मूवी नहीं थी कि एक में वो लॉयर बन गया, एक में डॉक्टर बन गया, एक में पुलिस इंस्पेक्टर बन गया। इसको जो है हम मैं जब आदित्य से पूछती हूँ बड़े होकर क्या बनोगे तो बोलता है, कोई भी पूछे इसके पापा या मैं कोई भी पूछते हैं तो बोलते हैं थोड़ा डॉक्टर भी बन जाऊँगा और थोड़ा पुलिस भी बन जाऊँगा और कभी कभी फ्लाइट भी उड़ा लूँगा बोलते हैं। तो बच्चों को मालूम नहीं है कि भैया कल को आपको कोई एक चूज़ करना है जिसमें आप ग्रो करोगे, क्या मालूम फ्यूचर में सब लोग सभी कुछ कर रहे हो, फ्लाइट भी उड़ा रहे हो, ट्रेन भी चला रहे हो और यहाँ MNC की जॉब भी कर रहे हो, हु नोस व्हाट विल हैपन। तो उसका माइंडसेट कुछ ऐसा है, तो कोई गलत थिंकिंग नहीं है लेकिन हंसी आती है ना बच्चों की ऐसी ऐसी बातें सुन के। तो अभी मैं जब उनके घर जाऊँगी तो उनसे मिलाऊँगी और जो भी होता है जहाँ तक हो सकता है शूट करूँगी और सो कीप वॉचिंग। चलते हैं अभी। हाय एवरीवन, मैं लोकेशन में पहुंच चुकी हूं, अभी इनके साथ हूं। तो ऑलरेडी आके मैंने आपको जैसे शेयर किया था थाली आंटी ने जो सर्व की थी वो तो मैंने आपको दिखाई थी, काफ़ी टेस्टी बनाया था आंटी ने मेथी के पराठे। एंड नॉर्थ इंडिया में जब रहती थी किसी न किसी के टिफिन बॉक्स में वो रहता ही था, जब बैठते थे हम लोग लंच के लिए तो सब लोग शेयर करते थे तब वो नॉर्थ इंडियन वाला अचार वो सब आता था। एंड आज काफ़ी दिनों के बाद खा के बहुत अच्छा लगा और मेरे को सीमा ने भी बोला कभी भूख लगे तो यहाँ पे आ जाना। लेकिन हम एक्चुअली मैं स्विमिंग करने वाली थी लेकिन आंटी ने इतना खिला दिया कि कहाँ स्विमिंगा, मैं स्विमिंग पूल में कूदूंगी तो डगारी मारते रहूँगी, बात तो चलो क्विट ही कर देते। और सीमा भी कहीं बाहर जाने वाले थे तो उन्होंने भी कैंसिल कर लिया, तो सडनली हम लोग का जो है ऐसा प्लान हो गया और अभी हम यहाँ पे बैठे हैं। तो मैं इस जगह पे रोज़ आती हूँ रोज़, लेकिन कभी भी बाई मिस्टेक भी हमारी रोड पे भी कभी मुलाकात नहीं हुई। तो दुनिया बोलते हैं ना बहुत छोटी सी है, लोग एक ही जगह पे रहते हैं लेकिन मिलने में बड़ा टाइम लग जाता है, तो हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हो गया। बट एटलीस्ट बेटर लेट देन नेवर। ट्रू ट्रू ट्रू। अरे ये देखो कितना हल्ला मचा रहे हैं इन लोग को, यहाँ पे नई नई चीज़ें दिख रही हैं। तो वो पांडा जरूर दिखाओ। ये दिखाओ दिखाओ, ये सीमा जो है मलेशिया से लेके आई थी पांडा। अरे दिखाने दे भाई। इसकी आंखें बड़ी चमक रही है ना, क्या है उसके अंदर ग्लिटर से क्या? अच्छा 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 है, क्यूट है। तो चलिए हम आपसे बाद में मिलते हैं, अभी थोड़ा बैठ के थोड़ा इत्मीनान से बातचीत कर लेते हैं। बाय एवरीवन। तो अभी अभी हम लोग वापस घर आए हैं, आज तो स्विमिंग भी नहीं करी। एंड बहुत दिनों से मैं ये मैट लेना सोच रही थी, अभी दिखाती हूँ आपको। ये मैट अगर आप शॉप में खरीदेंगे तो आपको 7,000, 8,000, 9,000 ऐसे रेट में मिल रहा है, लेकिन जो रेडी पे बेचते हैं ना जो लोग, उनसे लिया है मैंने। एंड काफ़ी दिन से लेने का सोच रही थी कि पर दिख नहीं रहे थे वो लोग, तो अभी दिखे तो मैंने ले लिया। तो डबल डबल राउंड लगे क्योंकि मेरे पास पैसे तो थे लेकिन इतने पैसे नहीं थे, मैंने इतने कैरी नहीं करे थे। फिर मैं घर आके फिर दोबारा गई एंड फिर लेके आई हूँ मैट। तो मैट तो वैसे अच्छा लग रहा है मुझे। एंड जो लोग बोल रहे हैं वो गद्दा हटाने के लिए, वो मैं हटा दूँगी। एक्चुअली प्लान ये था कि जैसे हमने
घर के ये बाकी सोफे सिलवाए हैं, वैसे जो अंदर बेडरूम में सोफ़ा रखा है उसको भी सिलवा के अगर रखेंगे इसी क्लॉथ के साथ, तब सिंक हो जाएगा, तब हटा सकते करके मैंने रखा था। मतलब फॉर अ चेंज मैं ऐसे चेंज करते रहती हूँ, क्या बोलते हैं, मैसेजेस आ रहे हैं, तो कभी कभी चेंज देखने में बेशक वो इतना रिच ना लगे लेकिन चेंज अच्छा लगता है, इसलिए इट इज़ ऑलवेज गुड टू हैव चेंजेस इन योर लाइफ एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, लेट इट बी एनीथिंग। तो अभी मैं आपको मैट दिखाती हूँ, तो ये देखिए ये वाला मैट लिया है मैंने, कैसा लग रहा है बताइएगा। ओके गो। तो ये बार बार मैट पे ही चला रहा है अपनी गाड़ी। तो ये मैट आपने अमेजोन पे भी देखा होगा, ऐसे वाले मैट्स बहुत हैं। तो ये बड़े साइज़ वाला ही है, इससे बड़ा वाला भी था पर वो कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो जाएगा करके मैंने नहीं लिया। तो बताइएगा मुझे कि कैसा लग रहा है। आदित्य अपना होमवर्क कर रहे हैं आते ही, तो मैट कैसा लग रहा है बताइएगा ज़रूर। कि ज़्यादा रंग बिरा मतलब मैंने अपने डेकोर के हिसाब से कलर लिया है जो मैच करे पूरे इंटीरियर को। हाँ पर ले, और मैं सीमा के घर पे ज़्यादा शूट नहीं कर पाई क्योंकि बच्चे बहुत तंग कर रहे थे, तो जितना भी हो उतना सही शूट किया, ज़्यादा नहीं किया, और उसके बाद बातचीत ज़्यादा करी हम लोगों ने, ये दोनों मस्ती में लगे हुए थे। तो फिर हम लोग अभी वापस आ चुके हैं। तो चलिए आज का व्लॉग यहीं पे समाप्त करते हैं, अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक को चिपका डालो वहाँ पे, एंड शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए घंटी बजा के। मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। Bye-bye.